नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन छिंदवाड़ा द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में लगभग 28 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, ये कार्यक्रम नागपुर रोड स्थित एसडी लोन में आयोजित किया गया। माँ कर्मा की आरती के बाद मुख्य अतिथियों का स्वागत सत्कार और अतिथियों का उद्बोधन हुआ। प्रत्येक जोड़ों को दहेज में दो पहिया वाहन समेत दहेज सामग्रियां भेंट की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में तेली साहू समाज के बंधु, महिलाएं, पुरुष, बच्चे उपस्थित हुए। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन, यहाँ विभाग गतिविधियों का संचालन हो रहा है। कृपया कर आपने सभी सुचारू बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। श्रीमती कविता साहू भोपाल आईटी से प्रदेश अध्यक्ष जी इस मंच की गरिमा बढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करिए। अध्यक्ष है आपका इस मंच, श्री प्रवीण नखरिया जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। जय माँ कर्मा देवी। आज राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी श्री मुरारीलाल जी गुप्ता एवं हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय श्री नरेंद्र साहू जी एवं समस्त जो राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारी और हमारे जिले से, राज्यों से उपस्थित समस्त जनता जनार्दन सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित समस्त स्वजाति बंधुओं को हम हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, जो जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के तत्वाधान में छिंदवाड़ा जिले में पहली बार ये सामूहिक विवाह समारोह संपन्न किया गया, जिसमें 28 जोड़ों को हमने आज बंधन में बांधा गया है। और इसके लिए मैं समस्त साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, कोई हमारा प्रदेश पदाधिकारी मुंबई से आए, कोई बिहार से आए, कोई गुजरात से आए, कोई राजस्थान से आए, समस्त पदाधिकारियों को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। दिल की गहराई से उनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय माँ कर्मा देवी।